हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डिवाइड कैसे करना। डिवाइड करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता भी देता हूँ, हालांकि इस पर बहुत सारी वीडियोस पहले भी मैंने बनाई हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन खोल रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है और यहाँ से आप आ जाइए क्रिएट पर, दोनों ही में कंपैरिजन करेंगे हम। पर यहाँ से देखिए आपको व्यू दिखाई पड़ेगा, तो अभी हमें आ जाना है डिजाइन व्यू पर। डिजाइन व्यू पे आएंगे, यहाँ पर चाहे तो टेबल का नाम बदल सकते हैं, ठीक है, बदल करके दूसरा दे दीजिएगा, फिलहाल मैं ओके करता हूँ इसी नाम से। अब ये देखिए ये प्राइमरी की है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यूनिकली दी जाएगी, यानी कि अगर आप किसी क्लास की बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं बीसीए की, और बीसीए में किसी स्टूडेंट का रोल नंबर जो है A01 है, A01, ठीक है, अब सेक्शन एक ही है और उस सेक्शन में जो पहले बच्चे का रोल नंबर है वो A01 है, फिर इसी तरह से दूसरे बच्चे का A02 है, तो ऐसा नहीं है कि उस सेक्शन में पढ़ने वाले, अगर मान लीजिए 10 बच्चे पढ़ते हैं तो 10 बच्चों में से किसी एक बच्चे का रोल नंबर दूसरे बच्चे से मैच कर जाए, दूसरे स्टूडेंट से मैच कर जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैच नहीं करेगा ये, जब भी होगा तो यूनिकली होगा, तो ये बात याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर वन का मतलब हो गया नंबर वन, और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर टू का मतलब हो गया नंबर टू। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, एक फिट बना देता हूँ रिजल्ट, तो ये रिजल्ट हो गया। अब इन तीनों का डेटा टाइप पहले बदल लेते हैं, नंबर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे नंबर कर लिया, यहाँ पर भी नंबर कर देते हैं यहाँ से ये जा करके, और यहाँ पर भी नंबर कर देते हैं, तीनों हो गया। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, देखिए एक्सेस का 2016 या 2019 वगैरह ये सब वर्जन यूज करेंगे तो आपको टेबल बनाते समय भी, देखिए जैसे ये है ना, यहाँ पे देखिए इसको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जो जो डेटा टाइप दिख रहे हैं इससे ज्यादा एक डेटा टाइप आपको वहां पे दिखेगा। कौन सा डेटा टाइप दिखेगा? कैलकुलेटिव डेटा टाइप दिखेगा। अब डेटेड वर्जन की बात कर रहा हूं, 2016 बात कर लीजिए, 2019 बात कर लीजिए, तो इन सब में आपको क्या दिखेगा? एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप कैलकुलेटेड दिखेगा। हम बात करेंगे यहां पर, तो यहां पे देखिए रिजल्ट वहां पर कैलकुलेटेड आ जाता है, लेकिन यहां पर हमको क्वेरी बनानी पड़ेगी, टेबल में ही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक क्वेरी हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 5 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर अपने आप से डिवाइड होकर रिजल्ट नहीं आता है हमारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पर अपने आप से डिवाइड होकर रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्रिएट पे चले जाइए और सीधा सीधा कहाँ जाइए, क्वेरी डिजाइन पे आ जाइए। जब आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ा। अच्छा ये बताइए, क्वेरी तो हमने अब तक बनाया नहीं है, हमने तो केवल टेबल बनाया, तो टेबल है ना दिखेगा, यहाँ पे केवल टेबल ही दिख रहा है। अब यहाँ पे क्वेरी देखिए, क्वेरी नहीं है, बोथ में खाली टेबल ही आएगा, क्योंकि टेबल ही तो बनाया हमने, बाकी कुछ तो बनाया नहीं, तो यहाँ से ऐड करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्लिक करिएगा, और अगर ये सारे फील्ड चाहिए तो यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करके और इन सारे को ड्रैग करवा लीजिए। फिलहाल मुझे सारा नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए और रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ पर रिजल्ट में आता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे ये हम डिवाइड करके, तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर कोलन लगाना है आपको, कोलन लगाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही सॉफ्टवेयर जो है कैसे काम होगा, दोनों पे एमएस एक्सेस में कैसे होगा और बेस डेटाबेस, लिब्रा ऑफिस का बेस डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है, इसके बाद वो दिखा रहा हूं, तो दोनों ही में कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, और यहां पे लिख देता हूं नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 पहली फील्ड है, तो ये नंबर 1 लिख दिया। और अब डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड का साइन क्या होता है, ऐसे ही ना होता है डिवाइड, तो ये कर दिया हमने। अब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट फिर बनाइए, नंबर 2 कर दीजिए, तो ये कर दिया हमने नंबर 1 और फिर कर दिया नंबर 2 और 1 किया और फिर यहां से ओके कर दिया, तो देखेंगे कि ये हमारा काम हो गया है। अब यहां से इसको रन करवा दीजिए, तो जब यहां पर देखेंगे आप, यहां पर मान लीजिए 5 लिख दिया हमने, फिर यहां पे 2 लिख दिया, तो ये अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए 77 लिख दिया और यहां पे मान लीजिए 3 लिख दिया, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर रहा है, देखिए ना। फिर यहां पे देखिए, यहां पर मैं कर देता हूं 75, फिर यहां पे कर देता हूं लाइक 5 से इसको डिवाइड करता हूं, तो यहां देखिए 15.2 अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड होता चला जाएगा, इसको सेव कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेस डेटाबेस की, तो आइए बेस डेटाबेस को ओपन करते हैं। इसमें भी आपको देखिए, यहां पर ये लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जैसे एमएस ऑफिस है ना, वैसे लिब्रा ऑफिस भी है। तो एमएस ऑफिस में क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेल,
होता है, MS Access होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से इसमें राइटर होता है, कैल्क होता है, इंप्रेस होता है। राइटर बोलते हैं MS Word वाले सॉफ्टवेयर को, कैल्क बोलते हैं MS Excel वाले सॉफ्टवेयर को, इंप्रेस बोलते हैं आपका पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर जो होता है उसे इंप्रेस बोलते हैं। और ड्राइंग वाइंग करने के लिए उसी में दिया जाता है। MS Word में देखे होंगे कि शेप्स वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं, तो वो ड्राइंग के लिए इसमें अलग से दे दिया गया है। और मैथ फॉर्मूला सिग्मा उग्मा लिख करके वो अंडर रूट वगैरह बनाते हैं ना, तो वो मैथ फॉर्मूला यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे। बाकी बेस डेटाबेस ये है आपका MS Access जैसा सॉफ्टवेयर जिसे हम बेस डेटाबेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये विंडो ओपन होती है। हमको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसको रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब ये कहेगा सेव करने के लिए, तो आप डेटाबेस का नाम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेंज नहीं करता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो आएगा। अब हमको करना क्या है, हमको एक टेबल बनानी है। तो ये देखिए दिया हुआ है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। चलिए डिजाइन व्यू में टेबल बना लेते हैं और सब बाद में जानेंगे, डिजाइन व्यू में अभी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम कर देता हूँ, जैसे वहां पे किया था हमने नंबर 1 किया, ठीक है, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर करेंगे नंबर 2, ठीक है। दोनों ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से, है ना। ये हो गया। अब बाकी रिजल्ट वाला हम यहाँ से नहीं बनाते, हम वहीं पे चल के बनाएंगे, ठीक है। जब हम क्वेरी बनाएंगे उसी वक्त हम रिजल्ट वाला बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी की इसमें भी असाइन नहीं किया, प्राइमरी की कल हो जाए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर अपने आप आईडी नाम से प्राइमरी की असाइन हो जाएगा, ठीक है। यस कर दीजिए, ऊपर देखेंगे कि आईडी नाम से अपने आप प्राइमरी की आ जाएगा। देखिए आ गया ना, ये प्राइमरी की है। इसमें यूनिकली वैल्यू आप डाल सकते हैं, मैचिंग वैल्यूज नहीं डाल सकते। तो इसको सेव कर लिया हमने, और सेव करने के बाद अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसका काम हो गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे तो ये जो है कैलकुलेट करके नहीं देगा, तो डेटा टाइप चेंज कर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी डेटा टाइप रखिए, लाइक नंबर रख सकते हैं, ठीक है, नंबर रख सकते हैं, डेसिमल रख सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्लोट रख सकते हैं। चलिए फ्लोट रख लेते हैं, फ्लोट रखेंगे तो हम डेसिमल में भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ्लोट रख लेता हूँ। तो ये फ्लोट रख लिया और बस यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया, तो आप देखेंगे कि नीचे टेबल बन के आ चुकी है और ये टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पर आप कुछ लिखेंगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये आईडी आ रही है ना, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आईडी 1 दे दिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया 5, और यहाँ पे लिख दिया 2, तो यहाँ पे कैलकुलेट अभी थोड़ी ना होगा, कैलकुलेट नहीं होगा। कैलकुलेट कब होगा, कैलकुलेट जब हम करेंगे तब ना होगा। अभी हमने किया था, क्वेरी कहाँ बनाई है, क्वेरी बनाएंगे तो ये कैलकुलेट करेगा। तो क्वेरी बनाने के लिए ये क्वेरी पे चलिए, पर यहाँ से 3 ऑप्शन दिख रहा है। अभी फिलहाल हमको पहले ऑप्शन का उपयोग करना है, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। तो इसी पे क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेबल दिया है, क्वेरी दिया है, क्वेरी तो हमने बनाया नहीं है, टेबल ही बनाया है। तो अभी टेबल ही लेना है, ऐड कर दीजिए, और अब यहाँ से ले लीजिए क्या क्या जरूरत है हमको। आईडी की जरूरत नहीं है, नंबर 1 की जरूरत है, नंबर 2 की जरूरत है, दोनों ले लिया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, अलियास देख रहे हैं, यहीं पर मैं टाइटल दे देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ रिजल्ट RE। और यहाँ पर क्या करना है आपको, कैलकुलेट करने का काम करना है। इसको थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए तो आपको दिखाई देगा सही से। अब देखिए यहाँ पर हमको डबल इंटेड कोट्स बनाना है, आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डबल इंटेड कोट्स लगाइए, ठीक है। अब डबल इंटेड कोट्स लगाने के बाद क्या करना है, पहला क्या है, नंबर 1 है, तो नंबर 1 में ही तो डिवाइड करना है नंबर 2 को। तो ये नंबर 1 लिख लिया, डबल इंटेड कोट्स को क्लोज किया, अपॉन कर देंगे नंबर 2, तो नंबर 2 भी डबल इंटेड कोट्स में रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर 1 हो गया और नंबर 2 हो गया, दोनों हो गया। यहां से इसको सेव करिए, क्वेरी 1 के नाम से सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। अब यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, क्लोज करूंगा, यहां पर आपको क्वेरी 1 दिखाई पड़ेगा, डबल क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए जो हमने क्वेरी लगाई थी वो कैलकुलेट करके भी दे रहा है, 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2.5 ही आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पर नंबर हमको बढ़ाना है, और भी नंबर हम लेके आना चाहते हैं, तो टेबल पे चलते हैं ना, ये टेबल हमारी बनी हुई है, यहां पर आ गए। अब यहां पर लिखते जाता हूं, ठीक है, जैसे आईडी 2 कर देता हूं, 34 में हम डिवाइड करेंगे 3 से, फिर आता हूं यहां पे 3 दे देता हूं, यहां पे लाइक 3 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ 45 में डिवाइड करेंगे हम 7 से, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर आता हूँ 4 दे देता हूँ आईडी, और यहाँ पे 54 में डिवाइड करेंगे हम 3 से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स और दे दिए हमने, आइए रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। क्वेरी हमारी डबल क्लिक करते हैं, क्वेरी में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2.5 आया है,
यहाँ 11.33 आया है, यहाँ पे 6.43 आया है, तो कि सबका डिवीजन होके आ गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों में कैसे डिवाइड करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका सोल्यूशन जल्दी देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि और भी बच्चों को ये पता चले। बेसिक प्रोजेक्ट जो स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए उनमें ये सब चीजें नहीं बताई जाती है, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। तो भैया आप सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी कंप्यूटर साइंस के टीचर्स हैं, जो लोग इस चीज को नहीं पढ़ाते हैं, तो इस चीज को जरूर पढ़िए, इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।